कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव की लड़की ने कैसे राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता? आज हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुर की राधा कुमारी की असाधारण कहानी, जिसने न केवल पहलवानी में बिहार केसरी का खिताब जीता बल्कि पूरे बिहार का भी मान बढ़ाया है। राधा, जो कि आरा शहर के श्री टोला मोहल्ले से है, राधा ने उड़ीसा के पुरी में आयोजित कॉम्बैट नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया और 69 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की एक मजबूत प्रतिद्वंदी को हराया और यह मुकाम हासिल किया। स्ट्रगल तो बहुत कठिन रहा, फिर भी मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत किए, तपस्या किए, तब यहाँ तक हम पहुँचे। आपकी कुश्ती और पहलवानी में बहुत ज्यादा सुविधा यहाँ पर? नहीं, सुविधा तो नहीं मिल पाती है, फिर भी अपना करते हैं। कैसे? महाराजा कॉलेज के ग्राउंड में करते हैं प्रैक्टिस। सुविधा बिहार सरकार कोई दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अपना घर से ही करते हैं। जो हमारे योगेश्वर सर हैं वो मदद करते हैं, तो पर्सनली वो हाँ पर्सनली वही करते हैं, तो इतना आगे हम बढ़े। वहाँ पर इस टूर्नामेंट के बारे में कैसा टूर्नामेंट? टूर्नामेंट वहाँ तो अच्छा रहा, लेकिन वहाँ मेरे वेट में लड़कियाँ 4-5 थी, जिसको हम पटकते हुए अपना फर्स्ट स्थान प्राप्त किए। वहाँ पर आप गोल्ड मेडल? हाँ, गोल्ड मेडल जीते। आगे का क्या लक्ष्य? आगे का लक्ष्य है कि जो मेरे एशिया में सिलेक्शन हुआ है, कोशिश करेंगे कि उसमें हम गोल्ड मेडल जीते। बता दीजिए, कॉम्बैट एसोसिएशन चैंपियनशिप में हुआ है, एशिया एशियाड खेलने जाना है नेपाल में। हाँ हाँ, पहलवानी में 69 के जी। यहाँ पर जो टूर्नामेंट, उम्र था 18 से 30, जिसमें हम मेरा 23 है। भारत के अन्य राज्यों में पहलवानों को अच्छा खासा सुविधा दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती है, हाँ, लेकिन बिहार क्यों पीछे है? आप लोगों को क्या सुविधा चाहिए? बिहार में सुविधा चाहिए कि हम लोग का मैट मिले प्रैक्टिस करने के लिए, डाइट भी मिले। डाइट नहीं मिल पाती है अच्छा, जितना मिलता है उतना हम लोग करते हैं, लेकिन घर से ही मिलता है, बिहार सरकार कोई नहीं देती है। अभी डाइट में क्या लेते हैं? डाइट में लेते हैं सुबह चना गुड़, एक गिलास दूध लेते हैं बस, और जो घर का अपना हाँ खाना होता है नॉर्मल बस वही। तो इसमें तो बहुत दिक्कत होती होगी आप लोगों को बाहरी खिलाड़ियों से मुकाबले कर? हाँ, एनर्जी नहीं मिल पाती है, जितना ताकत लगाते हैं वो बस उतना ही में कर पाते हैं, एक्स्ट्रा डाइट नहीं मिल पाती है। यहाँ से कितने लोग गए थे भोजपुर या बिहार से खेलने के लिए? बिहार से तकरीबन 30-35 बच्चा गया था, जिसमें एक दो को छोड़ के बाकी सब लोग का मेडल आया है। हाँ, गोल्ड कितने? गोल्ड बिहार में 7-8 आया है, हाँ, और सिल्वर भी आया है, ब्रॉन्ज भी आया है। भोजपुर में कितने लोग? गोल्ड भोजपुर में 2 लोग को आया है, मेरा और मुंजी सर का। आगे एशिया जो सिलेक्शन हुआ उसमें अच्छा परफॉर्म? हाँ, उसके लिए और मेहनत करेंगे, एशियाड में गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। ये कहाँ पर? नेपाल में? नेपाल में। ये तो अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही बता देंगे लोग। राधा का जीवन कठिनाइयों से भरा है। उनके पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति गिर गई। ऐसे में खेल को छोड़कर अन्य विकल्पों की तरफ देखना सामान्य था, लेकिन उनके गुरु जुगेश्वर सर ने उन्हें हार न मानने की प्रेरणा दी। उन्होंने न केवल राधा का हौसला बढ़ाया बल्कि उनके खेल के खर्चे को भी उठाया। राधा की प्रतिभा और संघर्ष के बावजूद राज्य सरकार से उन्हें अब तक कोई विशेष मदद नहीं मिली। वे अब भी बिना मैट के महाराज कॉलेज के घास पर अभ्यास करती हैं और खेल भवन में भी उचित अभ्यास के लिए मैट पर समय नहीं मिल पाता। फिल्म दंगल से प्रेरित होकर राधा ने कुश्ती को अपना करियर बनाया और अब तक बिहार के लिए 18 राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी है। उनका सपना है कि वह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाए। राधा कुमारी की यह कहानी हमें दिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे जीत हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी हर एक भारतीय को प्रेरित करती है कि कभी हार ना माने और अपने सपनों का पीछा करें। लोकल 18 भोजपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट।